इसके वही नखरे फजूल वाले हैं। मैं जब जाने लगता हूँ नाराज होकर बैठ जाता है। जब तो आता है तुम क्या समझ रहे हो, दुबई में रहते हो तो शोखे रहोगे इधर। Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. So, this video is powered by Binance. तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं क्रिप्टो की बात करता रहता हूँ, तो इस वीडियो के अंदर फाइनली मैंने वो चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो इस वीडियो को तुम लोगों ने शुरू से लेके एंड तक देखना है। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। आज हम लोग जो है वापस जा रहे हैं पाकिस्तान। दुबई का हमारा ट्रिप था, एक तो हम इवेंट इंजॉय करने आए थे। वैसे तो दो दिन का हमारा ट्रिप था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। मैंने कहा चलो आईफोन भी खरीद लेंगे। लेके हम लोग वैसे कुछ भी नहीं आए थे, कुछ कपड़े शपड़े थे, शर्टे वटे, ये साथ हमारा लैपटॉप भी हो गया पैक। आए निकलिए यार, है पहली लेट हो रही है। और अगर तुम लोगों ने अभी तक डक्की भाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो, यहाँ पे तुम लोग कर दो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे लाजमी कर देना ताकि नोटिफिकेशन भी तो आए ना। है किसी का मैसेज मुझे तुम लोग को आता नहीं, किसी ना बच्ची का आता है, ना तुम लोगों को कहीं दोस्त तुम लोग का मुंह लगाते हैं, तो कम अज कम डक्की भाई व्लॉग का नोटिफिकेशन आएगा तो तुम लोग को ऐसी फीलिंग आएगी जैसे तुम लोगों को बड़े लोग मुंह लगाते हैं, समझ रहे हो ना। तो यार कर देना लाजमी होगा। लो यार निकलिए, चलो फिर मिलते हैं यार। ब्रो यार ये इसके वही नखरे फजूल वाले हैं। मैं जब जाने लगता हूँ नाराज होकर बैठ जाता है। जब तो आता है तुम क्या समझ रहे हो, दुबई में रहते हो तो शोखे रहोगे इधर। कैमरा बंद कर बैठ। उसने ये समझा कि तू उसको अटैक कर रहा है तू, क्योंकि वीडियो में तू इतना एक्साइटेड था। ओके तो वो यही समझा कि तुझे बता तू अकेला उसके साथ रहा है ना, 10 दिन से तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने उसको ऐसे किया वो ये समझता मुझे अटैक हो रहा है, और उसने सिर्फ तुझे रोका है लेकिन उसका दांत तुझे लग गया है, तो तुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। वो ये समझा कि उसने सिर्फ ऐसे किया, ऐसे करके पीछे दांत किया और तुझे दांत लग गया, तुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था ये। 5 दिन से वो तेरे साथ रह रहा है अकेला। शर्ट बांध लिया इसके अपना हाथ के ऊपर, काफी ज्यादा जो है ना ब्लीडिंग अचानक, एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी 2 घंटे में फ्लाइट है, हो सकता है वो उसके भी पकौड़े लग जाए। कितना दूर है हॉस्पिटल यहाँ से? 2 मिनट। टांग में कल चोट लगी हुई है ना, पीछे उसको कोई भी टच कर रहा है वो ये समझता है मेरी टांग पकड़ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से उसकी वो टांग पे काटा हुआ है। अब वो तूने जब ऐसे करके यूं किया ना, ओके तो उसने सिर्फ यूं करके तुझे यूं किया और गेम ऑफ हो गई। काटता तो वो पकड़ लेता तुझे, छोड़ता ना तेरे हाथ को, उसने सिर्फ तुझे यूं किया और कुदरती उसका दांत नहीं, मेरे ख्याल से उसने काटा ही है। मैंने ना हाथ स्लाइड करके खुश करके पड़े कर लिया था, ठीक है। वो जब पड़े किया ना तो वो लिटरली जख्म देखी, वो जबरा उसका मेरे स्किन के अंदर पहले गया है, उसके बाद जाके वो स्लाइड हुआ है बाहर। यार इज इट बैड और गुड? डोंट वरी ब्रदर, यू विल बी ओके। ओके थैंक यू। कसम इसको वॉश किया है, तुम लोग देख सकते हो काफी डीप जो है कट है। वो कह रहे हैं कि स्टिचेस लगेंगे, लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है। लेकिन ये बहुत डीप है, अभी मैं खोल नहीं सकता, लेकिन ये काफी हद तक जो है ना खुला हुआ है इस वक्त। फिलहाल जो है स्टिचेस वगैरह उन्होंने लगाए हैं, बाकी उन्होंने कहा है कि 7 दिन तक जो है ना स्टिचेस के साथ ही रहेगा, लेकिन मेरे हाथ की मूवमेंट जो है तकरीबन 20 दिन तक स्टेबल नहीं होगी। पर अभी जो है पट्टी हो गई है यहाँ पे, उसने अभी जो है ड्रिप लगाई हुई है, ड्रिप लगाई हुई है किसी, तो 15 मिनट अभी लगेंगे मुझे, 15-20 मिनट। One hour later. तो यार हॉस्पिटल से हो गए थे डिस्चार्ज, ठीक है। तुम लोग देख सकते हो पट्टी शट्टी जो है एक ही स्टिच लगा है वैसे, ठीक है। बाकी पट्टी जो है ये अब तकरीबन उतरेगी 10 दिन तक, और अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं है। और मुझे तो ये टेंशन है टेरी सुबह एडिटिंग ना कर। चलो यार टेरी का थोड़ा ध्यान रख है अपना, उसको देख कुछ हो ना जाए, उसने गंदी काटी अच्छी खासी, तो देखना उसको कुछ हो ना जाए। डक्की भाई को काटने के बाद तो उसको 25 टीके लगे। तो यार अभी जो है कोई रोटी शोटी खाने आए हैं, ठीक है। पहले शुरू में बहुत ज्यादा पेन थी, लेकिन अब जो है ना उन्होंने वो थोड़ा पेन किलर्स वगैरह दिए हैं, तो वो जो है ना थोड़ी पेन हल्की हुई है। A few moments later. टेडी के साथ बाहर वॉक पे जा रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा वो। अच्छा मेरी पट्टी देख रहा है। चलो हंस के भी इसको डरा देता है। हाँ मेरे ख्याल से मैं जब हंसता हूँ ना तो भी उसको लगता है कि कुछ कह रहा है मुझे।
दो दिन तो मेरे से ब्लॉग नहीं हुआ, सिर्फ रेस्ट ही किया मैंने। आज हमारी वापसी है, हम लोग देख सकते हो पैकिंग शैकिंग ऑलरेडी मेरी हुई हुई है। 6 बजे की फ्लाइट है और तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है, तो मुझे जो है ना एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। ज्यादा मैं एयरपोर्ट पे भी मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा व्लॉगिंग श्लॉगिंग, क्योंकि मेरे से हो नहीं पाएगी। तो बाकी तुम लोग को जो है ना सुकून से पाकिस्तान जाके मिलता हूँ यार। ख्याल रख, चल जो हो गया हो गया। हाँ मिलते हैं फिर, पाकिस्तान जाके इन्फॉर्म करता हूँ। पाकिस्तान जाके अपना ध्यान रखना है, दवाई लेनी है टाइम पे, मेडिसिन इंजेक्शन एवरीथिंग डन हो गया। ठीक है, ओके। इसको वॉश नहीं करना? नहीं, इसके ऊपर वो लगी होती है, ये दूसरी एंटीबायोटिक होती है। ओके, बाद में इसके बाद आपने सिर्फ ओनली पॉलीफेक्स वगैरह अप्लाई करनी है। और काफी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि यार आप अक्सर पॉडकास्ट में बातें करते रहते हो कि यार आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रिप्टो से आप ट्रेडिंग करके पैसे पूसे कमाते रहते हो, तो हमें भी थोड़ा सा बताओ। तो मुनीब भी यहाँ पे बैठा हुआ है, वो उसने भी बड़ी देर से जो है ना रोला लगाया हुआ था। आपने iPhone 14 लिया? iPhone 14 लिया आपके भाई ने? iPhone 14 भी ले लिया है, ऊपर से दुबई में भी लगा चवलिया मार के आ गया। ठीक है, इतना पैसा कहाँ से है? वही तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई पैसे आजकल सीन किस चीज का है। किस चीज का भाई? बाइनेंस का। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्रंट पे बाइनेंस रखा हुआ है। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो की अलिफ बे भी नहीं आती, आप लोगों को नहीं पता कि भाई बाइनेंस है क्या, तो ऐप खोलने के बाद अगर तुम लोग मोर पे जाओगे तो आप लोगों को जो है यहाँ पे बाइनेंस एकेडमी मिल जाएगी। ठीक हो गया, समझ गए ना? सीख भी सकते। सीखना ही तो है, फजूल का पैसा तो नहीं, दरख्त पे तो नहीं उग रहा ना, सीखोगे तो समझ आएगी ना। भाई भाई भाई, भाई। मेरा हाथ टूटा नहीं तो थप्पड़ मारता आपको रख के। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों ने होशियारी नहीं करनी, सबसे पहले सीखना है और उसके बाद जाके आपने पैसे इन्वेस्ट करने। पहला स्टेप जो है आप लोगों ने ये करना है कि P2P मेथड के थ्रू आप लोगों ने जो है अपने PKR देके USDT खरीद लेना है, जिसका यहाँ पे जो है ये सारे लोग सेल कर रहे हैं। बहुत इजी और सिंपल स्टेप है, ठीक है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। थप्पड़ दोबारा मार देता अगर मेरा हाथ ना टूटा होता। ठीक हो गया, BUSD या फिर USDT आपने डिपॉजिट कर लिया, जिसका तुम लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 14,000 पड़ा हुआ है। और तुम लोग देख सकते हो अभी मार्केट भी रेड हुई हुई है, प्राइस नीचे हो तो खरीदना है और प्राइस ऊपर हो तो आपने सेल करना है। फॉर एग्जांपल एक क्रिप्टो है जी, उसकी प्राइस है 0.8519 चल रही है इस वक्त, लेकिन तुम लोग चाहते हो कि 0.85 या फिर 0.84 पे तुम लोग खरीदो। जब ये नीचे जाएगा तब तुम लोग खरीदो, लेकिन हो सकता है कि यार आप स्कूल गए हो, आप अपने काम पे गए हो, या आप सोए हुए हो और आपको पता ही नहीं है कि भाई कब उसकी प्राइस नीचे चले गई। आपने क्या करना है, आप इसको खरीदना चाह रहे हो 0.84 का, तो आप इसको मटा के 0.84 लिख दोगे। ठीक हो गया, अब आप कितना बाय करना चाह रहे हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जी मैं कोई $200 का मैटे खरीद लूं, बाय ऑर्डर लगा दूंगा, बाय कर दूंगा। तो ये तुम लोग देख सकते हो ये खुद ही जब 0.84 का जाएगा ना ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, बेशक आप सोए हुए हो। इसी तरह से आप सेल भी कर सकते हो। समझ आ रही है ना कि कितना आसान है? मतलब कि आपको क्रिप्टो खरीदना है, उसके लिए भी आपको खजल खवाड़ी जरूरत करने की जरूरत नहीं है कि आप 24 घंटे देखी जाओ कि भाई क्या प्राइस है ना। आपको जिस प्राइस में खरीदना है आप वो ऑर्डर लगा सकते हो, और जिस प्राइस में आपको बेचना है उसका भी आप ऑर्डर लगा सकते हो। क्रिप्टो की दुनिया है, मैं तुम लोग को बता दूं क्रिप्टो पे दुनिया चलनी है। ये आज से 3 साल बाद तुम लोग ये मेरी वीडियो देखोगे, तुम लोग रोओगे कि यार डकी भाई उस दिन आपकी बात नहीं मानी। क्रिप्टो पे आज जंप इन करोगे तो तुम लोग को फायदा है, 3-4 साल बाद जब सारी दुनिया क्रिप्टो क्रिप्टो करने लगी होगी और फिर तुम लोग करोगे तो फिर वो फायदा नहीं है, समझ गए ना। इसी के साथ साथ बाइनेंस अर्न का भी फीचर है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जाओगे तो बाइनेंस अर्न के अंदर तुम लोगों को जो है ना क्रिप्टो जो है स्टेक कर सकते हो और आपको जो है एक बड़ा अच्छा APY मिलता है और आपकी छोटी मोटी इनकम बनती रहती है बगैर बैठे बैठे, आप घर में बैठे हो आपकी इनकम बनती रहती है। ठीक है, तो ये भी बहुत लेवल का फीचर है, सीख के उसके बाद जाके जो है तुम लोगों ने पंगे शंगे लेने हैं, बता दो। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मैंने बाइनेंस की लिंक दी होगी, आप भी अभी जाके जो है मेरे रेफरल लिंक से जो है आपने लॉग इन करना है। अभी ट्राई करूंगा मैं। अगर तुम लोग मेरे लिंक से करोगे तो तुम लोगों को $600 तक का यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक का कैशबैक वाउचर मिल सकता है। तुम लोगों ने डिपॉजिट करना है जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया। नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे छोटी मोटी वीडियोस देख लेना, क्रिप्टो शिप्टो के बारे में और भी आगे बात करते रहेंगे हम, लेकिन फिलहाल जो है तुम लोगों को ये काम करना जरूरी है। ठीक हो गया, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मुझे बाइनेंस की तरफ से जो है पैकेज भी आया था, इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं। बाइनेंस ने जो है मुझे गिफ्ट शिफ्ट भी भेजे हैं। खोल दो यार, मेरा एक हार्ट टूटा है यार, कोई हेल्प ही कर दिया करो यार।
भाई एक तो बाइनेंस से जो है हमें बहुत जबरदस्त किस्म का जो है एक वेलकम मैट दी है। उसके बाद ये क्या जराबे, ये सॉक्स, ये मुझे चाहिए थी। बाइनेंस ने जो है हमें पानी की बोतल दी है। बाइनेंस कहती है कि भाई डक्की भाई हाइड्रेटेड हो, ये मुझे दे दो, मैंने स्कूल लेके जानी है। जब आप बाइनेंस के अंदर अर्न करोगे ना, जब आप पैसे पूसे कमाओगे, आप भी क्रिप्टो से कमाओगे, ठीक है, तो फिर ले लेना ये चीजें इधर से। अलावा बाइनेंस ने जो है हमें शर्ट भी दी है बहुत लेवल की। अच्छा फुल स्लीव शर्ट है, बाइनेंस को पता है हमारी वीडियो ठंडी होती है, उन्होंने भी हमें अपने हिसाब से शर्ट दी है। ये देखो टोपा भी दे दिया, सिर्फ सर के लिए दिया टोपा, समझ रहे हो। ओए होए चप्पले, ओए होए होए, बाइनेंस ने तो यार पूरा जेस का सामान दे दिया यार, बाइनेंस लेवल हो गया यार आपका। भाई बाइनेंस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Hours later. हाँ ये तो है, एडिटिंग वगैरह मुका रहा मैं, ठीक है, तकरीबन मुक गई है। अभी मैं घर जाने लगा हूँ, मैं कहा चलो व्लॉग एंड भी कर देता हूँ। यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना। अल्लाह का शुक्र है तबीयत आहिस्ता आहिस्ता मेरी ठीक हो रही है। बाइनेंस को डाउनलोड करना है लाजमी मेरे लिंक के थ्रू। अगर तुम लोगों ने पहले भी बाइनेंस डाउनलोड की हुई है और अगर वहाँ पे इतना कोई तुम लोगों ने शुगर लगाया, मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड करके उसके बाद जो है ना सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को तरीके से। और भी क्रिप्टो के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैंने कुछ चीजें जो बताई है वो लाजमी करो। और यार मैं थैंक यू करना चाहूंगा गबरू को और उसकी वाइफ को, जब मैं दुबई में था उन्होंने लिटरली मुझे बेबी सेट किया है, मेरा हर चीज का उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया उनको, मैं पब्लिकली जो है थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू हो गया गबरू भाई। यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, मिलते हैं कल।